बच्चों के भविष्य से जुड़ी एक और खबर की बात करेंगे। ये तस्वीर भी छत्तीसगढ़ से ही है, जहां रायगढ़ के गांव में स्कूल भवन तो है लेकिन बुरी हाल में। अब आलम यह है कि बच्चे निजी मकान के बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। जिम्मेदारों को सब खबर है लेकिन फिर भी बेखबर होकर बैठे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये भवन रायगढ़ के औराजोर की प्राथमिक शाला है, जो जर्जर घोषित कर दी गई, लेकिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी केवल भवन को जर्जर घोषित करने तक ही सीमित रह गई। इसकी सूचना दिए थे बीओ मैम को, कई बार शिकायत कर चुके हैं उसके लिए, अभी तक तो उसके बारे में कुछ आया नहीं है, बस आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना खुले मैदान में खाते हैं, शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन सब जानते बूझते जिम्मेदार हवादार कमरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोगों को शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखाने आए हैं, किस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था है वो बरामदे में संचालित की जा रही है। इन बच्चों को स्कूल में बैठकर पढ़ना था, शिक्षकों को स्कूल में बैठकर पढ़ाना था, लेकिन स्कूल की हालात है वो जर्जर है। इस कारण जो शिक्षक है वो ग्रामीणों के बरामदे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे हाँ पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल में बैठकर अपने भविष्य को गढ़ना चाहिए, वही बच्चे खुले बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। पास से गाड़ियां निकलती हैं, लोग आवाजाही करते हैं, जिससे बच्चों का ध्यान भटकता है। छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर प्राथमिक शाला है, तो जाहिर है कि बच्चों का जो ध्यान है इधर उधर, मतलब जाना एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे इधर बाहर में आप लोग देख सकते हैं बाइक वाइक या फिर कार वार मोटर कार, आना जाना बीच बीच में, क्योंकि गांव है तो बस्ती में गांव वाले तो आना जाना करेंगे ही, तो बीच बीच बच्चों का ध्यान भी उधर जाता रहता है। गांव में स्कूल तो है लेकिन वो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। शिक्षा विभाग ने आदेश भी कर दिया कि बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें, लेकिन क्या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी यहीं तक थी? और आखिर वैकल्पिक व्यवस्था कौन बनाएगा? खुद स्कूल के शिक्षक ने बताया कि बीओ मैडम कभी स्कूल देखने आई ही नहीं है। बीओ मैडम तो यहाँ अभी तक नहीं आई है इस सत्र में। सर, जो इस सत्र का जो स्कूल प्रारंभ हुआ उसके पहले हम लोग मतलब इसकी सूचना दिए थे बीओ मैम को, तो बोले थे कि हम इसकी जानकारी जो मुख्यमंत्री जतन योजना है उसके अंतर्गत उस सूची में इस शाला का नाम दे देते हैं जर्जर जो शाला ये वाला है हमारी प्राथमिक शाला औराजोर, तो अभी तक तो उसके बारे में कुछ आया नहीं है। बच्चे भी प्रशासन से उनके भविष्य को गढ़ने के लिए महफूज भवन की मांग कर रहे हैं। जल्दी बन जाए जिससे हमें पढ़ने में सहूलियत होगी। हमारे स्कूल बनना चाहिए, वहाँ बैठ के हम पढ़ाई करना चाहते हैं। जहाँ पढ़ते हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ पाते, सरकार हमारे स्कूल जल्दी बना दे। बच्चे चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर सकें, लेकिन इस बात से अब तक अनजान है कि चंद रुपयों के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल करने जब हम सरपंच के पास पहुँचे तो उन्होंने भी अपनी बेबसी की कहानी सुनाई। और जो हमारे जो वासुदी राम है ग्राम पंचायत के सचिव का, हमारे यहाँ का पिछले दो तीन साल से पहले से भी हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं उसके लिए, जनदर्शन में वहाँ पे दिया गया था, बस आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। अभी पूरे स्थिति इतना खराब है कि उसमें बैठते नहीं बन रहा है। कई बार जिम्मेदारों को बता दिया गया है लेकिन किसी को बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, अगर मतलब है तो केवल रुपयों को पार करने से। ये प्राथमिक शाला औराजोर का स्कूल है जहाँ बच्चों को बैठकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने आदेश कर दिया कि जर्जर बिल्डिंग में बच्चों को नहीं पढ़ाना है, तो वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था के लिए ग्रामीणों के बरामदे का जो बरामदे हैं उसका सहारा जो शिक्षक है वो ले रहे हैं। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं स्वनी मालाकार।